अच्छा गुड मॉर्निंग। चलिए आप अपनी राजनीति शास्त्र की किताब निकालिए, हम पढ़ाई शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान। बच्चों आज हम पढ़ेंगे जो आपकी दूसरी किताब है उसकी आखिरी इकाई 9, भारतीय राजनीति के नए बदलाव के हम कुछ प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे आज। तो आप ये ध्यान दीजिए, आज हम आखिरी अध्याय के जो प्रश्न है आज उनको देखेंगे। आप भी अपनी किताब लेके आइए, साथ में किताब में भी देखते जाएंगे। प्रश्न है कि 1989 के बाद के समय भारतीय राजनीति के क्या मुख्य मुद्दे रहे और इन मुद्दों से राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव के क्या रूप सामने आए। तो उत्तर है कि 1989 के बाद की अवधि राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखती है कि क्योंकि इसके बाद राजनीति पर बहुत असर प्रभाव पड़ा और इसके मुद्दे हैं, वो मुद्दे निम्नलिखित हैं। तो पहला है कांग्रेस की कमजोर स्थिति। 1984 में जो लोकसभा चुनाव हुए उन चुनावों ने पहले कांग्रेस ने 415 सीट जीती थी, 415 सीट दर्ज कर इतिहास रचा था। वहीं 1989 के चुनावों में हमने एक ग्राफ से भी जब पाठ पढ़ा था तो एक ग्राफ में देखा था जिसमें दो ऐसे पिलर बने थे ग्राफ में, लाल पिलर था कांग्रेस का और नीला पिलर था भारतीय जनता पार्टी का। उसमें भी आपको ये समझाया गया था चुनावों में मात्र 197 सीट ही प्राप्त कर पाई कांग्रेस की प्रमुखता की समाप्ति के कारण क्षेत्रीय दलों में वृद्धि हुई और अन्य राजनीतिक दलों में गठबंधन होने लगा। जो छोटे छोटे दल थे वो एक होने लगे, गठबंधन होने लगा, फिर मंडल आयोग की सिफारिश है। तो 1990 में बीपी सिंह के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। यहाँ से आरक्षण की शुरुआत होती है जिसके तहत अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी या अदर बैकवर्ड कास्ट भी कहते हैं को शासकीय सेवा में 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इससे सभी पार्टियों में वोटों की राजनीति होने लगी और अन्य पिछड़े वर्गों को लुभाने के लिए अनेक राजनीतिक दल बन गए थे। फिर आर्थिक सुधार, तो भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण और उदारीकरण के कारण आर्थिक नीतियों में बुनियादी परिवर्तन किया गया। आर्थिक सुधार के कारण राजनीतिक दल दो भागों में बट गए। कौन कौन से दो भाग थे? दक्षिणपंथी और वामपंथी। इससे समान विचारधारा वाले राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव हुआ। फिर हुआ बाबरी मस्जिद अयोध्या कांड। 1992 दिसंबर महीने में अयोध्या स्थित विवादित ढांचा जो बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता था उसको नुकसान पहुंचाया गया। बाबरी मस्जिद के विध्वंसों में से हिंदू धर्म और धर्म निरपेक्षता का राजनीति में प्रवेश हुआ और विभिन्न राजनीतिक दलों का इस आधार पर गठबंधन किया जाने लगा। अब है प्रश्न कि गठबंधन की, बच्चों यहाँ पे आप प्रश्न 3 और 4 देखकर कंफ्यूज ना हो क्योंकि 1 और 2 में आपके विकल्पी प्रश्न थे। गठबंधन की राजनीति में नए दौर की राजनीति दल विचारधाराओं को आधार मानकर नहीं जोड़ती। इस कथन का पक्ष और विपक्ष में आप कौन सा तर्क देंगे? उत्तर है पक्ष में तर्क, गठबंधन की राजनीति में नए दौर की राजनीति दल विचारधारा को आधार मानकर गठजोड़ नहीं करते। इसके समर्थक निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं कि 1977 में जो कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ विरोध के नाम पर बनी थी, कि विरोध के नाम पर ही कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ जिसमें भारतीय जनसंघ, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी, समाजवादी पार्टी, भारतीय क्रांति दल, अकाली दल, तेलुगु देशम पार्टी शामिल थे। इन सभी दलों
फिर 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा में शामिल दलों में सत्ता की हिस्सेदारी गठबंधन की प्रमुख वजह थी। यह सरकार भाजपा व वाम मोर्चा के सहयोग से बनी थी, जो परस्पर विरोधी राजनीतिक समूह है। फिर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व में बनी थी, उसमें शामिल क्षेत्रीय दल तृणमूल कांग्रेस, बीजू जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता पार्टी, अकाली दल की विचारधारा एक दूसरे से अलग थी। और कहा जा सकता है कि राजनीतिक दल विचारधारा के कारण नहीं बल्कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली राजनीति तथा सत्ता के लालच में गठबंधन कर रहे थे। और विपक्ष में तर्क है कि विचारधारा के अंतर के कारण ही वामपंथी पार्टियां भाजपा के साथ गठबंधन नहीं कर सकती, समाजवादी पार्टी और डीएमके जैसे दल की विचारधारा के कारण ही भाजपा के साथ नहीं आते, उसी प्रकार शिवसेना जैसी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं आती। अतः पूर्णतः यह नहीं कहा जा सकता कि विचारधारा अप्रासंगिक हो गई है। फिर ये प्रश्न पांचवा, आपातकाल के बाद के दौर में भाजपा एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरी, इस पार्टी के विकास क्रम का उल्लेख कीजिए। तो सन 1975 से 77 लगभग 18 महीने तक आपातकाल का, और 1977 के चुनाव में कांग्रेस की हार और जनता पार्टी की जीत हुई, जिससे जनता पार्टी की सरकार बनी और भारतीय जनसंघ भी शामिल था। 1980 में जनसंघ के सदस्य भारतीय जनता पार्टी नामक एक नई राजनीतिक दल का गठन कर लिए। 1980 का दशक आंदोलनों का दौर रहा और गठबंधन सरकार की शुरुआत आखिरी वर्षों में 1989 में संयुक्त मोर्चा की सरकार भारतीय जनता पार्टी के बाहर समर्थकों से और संयुक्त मोर्चा सरकार बार बार समर्थक वापसी के कारण असमंजस की स्थिति में था, जो अस्थिर रहा। और फिर 1991 में चुनाव हुए, जिसमें भाजपा सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरी और भाजपा का वोट प्रतिशत लगभग डबल हो गया था, जो पूर्वोत्तर राज्य असम में और दक्षिण राज्य कर्नाटक में पहली बार सीधे जीती। 1996 के चुनावों में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और सरकार बनाई, लेकिन विश्वास मत हासिल नहीं कर पाए। इस कारण जनता दल के देवगौड़ा ने सरकार बनाई। 1998 में लोकसभा के चुनावों में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, लेकिन ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर पाई और 1999 में पुनः चुनाव हुआ। फिर गठबंधन की सरकार बनाई, जो 2004 तक सत्ता में रही। इस दौरान राज्यों में भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि में भाजपा मजबूत होती रही, केंद्र भी मजबूत रहा। 2014 के चुनावों में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के गठबंधन ने 325 सीटें जीती थी और भाजपा 282 सीटों पर विजय के साथ बड़े दल के रूप में उभरी। इसके बाद जनाधार में संपूर्ण भारत में वृद्धि हुई। फिर प्रश्न छठवा, की कांग्रेस के प्रभुत्व का दौर समाप्त हो गया, इसके बावजूद राजनीति पर कांग्रेस कायम है, क्या आप इससे सहमत हैं? तो स्वतंत्र भारत के प्रारंभ से लेकर 1989 तक कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी रही और आपातकाल के बाद 1977 के चुनाव को छोड़कर 1952 से 1989 तक कांग्रेस ही केंद्र सत्ता में रही। 1989 में कांग्रेस पार्टी की हार हुई और 1991 में चुनाव हुए, तो कांग्रेस ने अपनी स्थिति में सुधार लाते हुए फिर न सत्ता में आई और 1996 के चुनाव के बाद कांग्रेस क्रमशः कमजोर होती है। केंद्र के साथ साथ राज्यों में भी गैर सरकारी सरकारें बनती रही। 2004 के चुनाव में कांग्रेस पुनः गठबंधन सरकार बनाने में सफल रही। 2009 के चुनाव में कांग्रेस गठबंधन सरकार फिर बनी। इससे ऐसा लगने लगा कि कांग्रेस पुनर्स्थापना की ओर है, परंतु 2014 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की सबसे भयानक वर्षा बना। कांग्रेस मात्र 44 सीट पर सिमटकर रह गई और इसके बाद कई राज्यों में 18 के विधान
विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान में पुनः सफलता प्राप्त करी और वर्तमान में कांग्रेस 2014 के चुनावों की तुलना में बहुत मजबूत और सशक्त नजर आ रही है। कांग्रेस के एकल प्रभुत्व का दौर समाप्त हो चुका है, लेकिन देश की राजनीति में कांग्रेस का असर कायम है और कभी भी यह देश की राजनीति में बदलने की क्षमता रखती है। बच्चों, आज यहाँ पर हमने जो प्रश्न किए हैं, जो परीक्षा उपयोगी है, आप अपनी किताब बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी होगी और आप अपनी कॉपियों पर इन्हें नोट करेंगे और याद करेंगे, क्योंकि आपको परीक्षा देनी है और अच्छे नंबरों से पास भी हो।